दिन का धरना, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा सेवा नियम हम लोग जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके, हमारे धरने जब चल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि पंचायत सहायकों का काम हो रहा है, आप घर चले जाइए। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास किया, लेकिन कब तक? 25 जून 25 मई सिर्फ ड्राफ्ट बन रहे हैं, इन ड्राफ्टों को कब बाहर करेंगे ये लोग, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते। इतना ज़रूर है, हमारे अध्यक्ष जी ने और प्रवक्ता महोदय और उपाध्यक्ष महोदय सभी मंथन और भी हमारी टीम के जो लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी का पूरा लेटर पैड है, तमाम जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष सभी से लगातार बातें हो रही हैं। जल्दी समस्त संविदा कर्मी जयपुर में जुटेगा, जहां जुटेगा उसकी पूरी रणनीति के साथ में 3300 जिलों में सरकार को चेतावनी दे दी है, क्योंकि जो आंदोलन में शर्तें सरकार के साथ में टेबल टॉक पर जो वार्ताएँ हुई हैं, CM साहब के साथ में वार्ताएँ हुई हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कब तक होगा? 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगे कि स्वतंत्रता दिवस भी अब की बार हमारा कहीं जयपुर की धरा पर या जहां भी है, अभी हम कोई डेट खुलासा नहीं कर रहे, आंदोलन की रणनीति भी नहीं, उसकी सूचना 2 दिन पहले देंगे, क्योंकि सरकार आंदोलनों को कुचलने में बड़ी माहिर होती है। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में धारा 144 18 अगस्त थी, सरकार ने हमारे जिलाध्यक्ष भाइयों पर कितना दबाव बनाया, उदयपुर की घटना होने के बाद में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ। धारा 144 से हम डरते नहीं हैं, राजस्थान का पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र का भी धारा 144 की परवाह नहीं करता। जब हम धरने पर 76 दिन बैठे थे उस टाइम भी कोविड की धारा 144 लगी हुई थी, 14 जुलाई को जिलों में कार्यक्रम हुआ है, हर जिला मुख्यालय पर धारा 144 थी, लेकिन हमने 3300 जिलों में जो कार्यक्रम 27,000 परिवारों ने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की मेहनत से जो हुआ है, सरकार के कहीं ना कहीं कान खड़े हुए होंगे। बिल्कुल, अधिकारी पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं, मंत्रीगण कर रहे हैं, बात यह है आपके चैनल के माध्यम से पूरे सरकार के नुमाइंदों तक हम बात पहुंचा रहे हैं, 14 वर्षों में हमारे साथ कई बार धोखा हो चुका है, अब वो सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए अब कहीं ना कहीं राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों को आंदोलन मोड पर आना पड़ेगा। सभी से वार्ता चल रही है, पूरी कोर कमेटी और सब लोग निर्णय करेंगे, और जल्दी हम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि काम तो हो रहा है हम मानते हैं, लेकिन वो देरी क्यों, देरी को जल्दी में बदलने के लिए। बिल्कुल, इस मामले में हमारे प्रवक्ता जी और ये उपाध्यक्ष गण, आप सवाल लोग के जवाब दें। प्रवक्ता जी, धरने की क्या रूपरेखाएं रहेंगी? देखिए, वर्तमान स्थिति को देखकर हमें ये लग रहा है कि सरकार ने चलते हुए काम को ब्रेक कर दिया है, और इस ब्रेक को तोड़ने के लिए, काम को जल्दी करवाने के लिए बाध्य होकर फिर हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। अब आगे किस तरीके से आंदोलन करना है, क्या करना है, वो हमारे समस्त जिलाध्यक्ष साथियों से, प्रदेश कार्यकारिणी से राय लेकर हम शीघ्र अतिशीघ्र आंदोलन करेंगे, ये हमारी व्यवस्था है। हमने अभी जो ज्ञापन दिया है 33 जिलों में, वो एक चेतावनी ज्ञापन था सरकार को कि आप समय रहते यदि आपने 31 जुलाई तक ऐसा कोई सकारात्मक संदेश हमें नहीं पहुँचाया, यदि हमें नहीं लगा कि हमारा काम जल्दी नहीं हो रहा है, तो अगस्त के प्रारंभ में या अगस्त के मध्य में हम एक बड़ा मूवमेंट करेंगे, वो कहीं भी हो सकता है, उसकी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो चेतावनी हमने सरकार को दे दी है। नगरपालिका वो हमने बता दी। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, नगरपालिका के संदर्भ में नगरपालिका वालों के लिए सरकार सकारात्मक रूप अपनाते हुए उस काम को गति दे रही है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है जब तक हमारे सामने कोई आदेश नहीं आ जाता है, चाहे नगर पालिका वालों को समायोजित करने का है, चाहे एडोप्टेशन का है, अभी हाल ही में भुगतान करने वाली समस्या है, वो भुगतान की समस्या सरकार ने सोल्व कर दी है, हमारे बहुत से साथियों को 8-8 महीने से 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, उसके आदेश आज ही यहाँ सचिवालय से जारी कर दिए गए हैं, इसके लिए हमने सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य नियमितकरण है, एडोप्टेशन की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करना है, उसके लिए विवश होकर हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे, ये हमारी व्यवस्था है, और इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी साथियों को और सरकार को भी हम चेताना चाह रहे हैं कि 27,000 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र पुनः रोड जाम करेंगे, पुनः उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे, यदि सरकार ने अगस्त के प्रारंभ में एडोप्टेशन की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी नहीं की तो।
धन्यवाद। देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताने जाना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस समय हमारा धरना लग रहा था उस समय सभी संविदा कर्मी शहीद स्मारक पर डटे हुए थे, और कहीं ना कहीं सभी संविदा कर्मियों में ये आक्रोश ज़रूर है कि सारे समय सरकार की सीएस मैडम की जो गाइडलाइन थी वो भी अब निकल चुकी है। सारे ही संविदा कर्मियों में आक्रोश है। हम संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम अपनी पीड़ा रो रहे हैं, लेकिन वो संविदा कर्मी भी पीछे नहीं है। अगर सरकार ने समय रहते चेता नहीं तो 27,000 पंचायत आएगी नहीं, सारे ही संविदा कर्मी एक साथ सरकार के खिलाफ उतरेंगे। जो अन्य संविदा कर्मियों संगठन के पदाधिकारी वो भी हमारे लगातार संपर्क में हैं, उनसे भी बातचीतें चल रही हैं। चुनावों पे असर, अगर संविदा कर्मियों का मुद्दा सरकार ने समय रहते नहीं निपटाया तो चुनावों पे असर नहीं पड़ेगा। सरकार को ऐसा नहीं हो जाए कि 23, 20 या 30 या 40 सीटों में सिपटना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 13-14 सालों से बहुत परेशान हैं, 6,600 में हमारा घर का गुजारा नहीं चल रहा है, आप हमारी पीड़ा को समझिए और ये जो संविदा शोषण वाला संग्राम है इसको ख़त्म करते हुए इन कर्मचारियों को राहत दीजिए। ये बड़ा मूवमेंट है, इसको आप जब तक समाधान नहीं करेंगे आपकी सरकार पुनः राजस्थान में नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके आप निपटाएंगे, आपके प्रति जनता सकारात्मक होगी और ये राजस्थान के जो परिवार हैं 1-1.5 लाख करीब संविदा कर्मी, ये भी आपके प्रति सकारात्मक होंगे। आप अगर इनको चुनाव तक खींच के ले जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं मामला अटक जाएगा, इतना हम इंतज़ार नहीं करेंगे। बड़ा मूवमेंट होने से पहले ही आपसे निवेदन है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाएं और हमारा नियमितीकरण का रास्ता साफ कीजिए। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार जब चुनावी जब मुद्दा आता है, चुनाव का जब समय आता है, तब तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है और कहती है कि हम आपको नियमित करने। ऐसे पिछली कई सरकारों ने, हमने बीजेपी भी सरकार देखी है, कांग्रेस सरकार भी देखी है और फिर से दोबारा कांग्रेस सरकार भी देखी है, और इस कांग्रेस सरकार के 4 साल आसानी से निकलते जा रहे हैं लेकिन संविदा कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन सरकारों ने पहले भी हमारे जो शोषित परिवार है उनके लिए कई भर्तियां निकाली, शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक, उसमें हमारे लाखों करोड़ों रुपए को डकार गई, वो भी हमें आज तक वापस नहीं मिले। हम एक पीड़ित शोषित परिवार से हैं तो सरकार से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे भविष्य के बारे में सोचा जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को। प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। हम लोग पिछले हफ्ते से, जैसे 14 तारीख को जिलों में कार्यक्रम हुए, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की कोर कमेटी जयपुर में डेरा डाली हुई है और वो इसीलिए डाली हुई है, सर्दी गर्मी बरसात हम लोग देखते नहीं है, वो इसीलिए नहीं देखते कि 27,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, पेट की लड़ाई है। अगर इस जंग को हम जीत गए तो हम मान के चलेंगे कि हमने इस जीवन में कुछ अच्छा काम करके दिखाया है। 27,000 परिवारों के घरों में रोजी रोटी का इंतजाम होगा, इसलिए पूरी कार्यकारिणी लगातार 7 दिन हो गए, लगभग 15 तारीख 14 को यहाँ पहुँच गई थी और लगातार यहाँ लगी हुई है, और हम जयपुर जब तक नहीं छोड़ेंगे। लगातार जो भी अधिकारी सरकार के मंत्री नुमाइंदे मिल रहे हैं सबको हम चेतावनी भरे ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारा जो जिलों के कार्यक्रम है उसकी सफलता हम इनको बता सकें, और वो बता रहे हैं। सारे अखबारों की प्रिंट हमने 3300 जिलों के कार्यक्रमों की लेटर पैड के साथ नत्ती करके एक एक अधिकारी और कार्य उनको सूचना दे दी है कि हमने इस तरीके का कार्यक्रम किया था। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।